कांग्रेस से बादल हमीरपुर द्वारा हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौन धरना प्रदर्शन किया गया। अब उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस से बादल हमीरपुर ने ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर के अध्यक्ष मदन लाल कौंडल बस्मस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बाजुओं पर काले बिल्ले लगाकर रोष जताया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर के अध्यक्ष मदन लाल कौंडल ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल जिला स्तर पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस के पांचों विधायकों के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत देते हुए कहा कि वे गुंडागर्दी बंद करें और विकास की ओर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल महंगाई लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जो गैस सिलेंडर 400 या 500 रुपए का मिलता था, आज वह सिलेंडर 800 या 900 रुपए का मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के पांचों विधायकों का निलंबन रद्द नहीं किया गया तो कांग्रेस सेवा दल द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये है जो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बदल जो है वो जो हमारे विधायक जो है पांच निलंबित किए गए हैं विधानसभा के बीच, तो हम उनके निलंबन को जो वापस करने के लिए जो हम पूरा कांग्रेस से बदल जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बदल और कांग्रेस जो बैठे हम मिलकर जो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मौन 12 से लेकर 1 बजे तक जो हमारा जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम यही मांग करते हैं जो उनके खिलाफ FIR दर्ज करी है उनको वापसी लिया जाए। और इतना जरूर बोलेंगे हम जिस जैसे हमारे जयराम जी हैं आज की डेट में वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं यहाँ पर, ना उनके प्रशासन के ऊपर है ना उनके अपने शासन के ऊपर है उनका। तो यहाँ पर जो जिस जनता ने उनको वोट डाले थे वो आज जनता त्राही त्राही मचा रही है। महंगाई के बारे में देख लो आप, हर चीज़ पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस सिलेंडर को देखो आप, आज गरीबियाँ जो हैं वो बड़ी बुरी तरह बचता रही है उनको डालकर। तो हम कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जिला अध्यक्ष लेकर आते हैं हमारे जो यहाँ पर जितने भी हमारे ब्लॉक के आए हैं यहाँ पर हमीरपुर के गोपाल सिंह भी आए हैं, यहाँ पर शेख शर्मा जी आए हैं, गटौर से जस्टर भी आए हैं, कोरे से हमारे अमरजीत जी आए हैं। आज देखो कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर जो 400-500 रुपये के करीब मिलता था, आज कहाँ वो 800-900 के करीब पहुँच गया है। सब्जी के दाम देखो, सब्जी कहाँ, डीजल तो देखो डीजल आप खुद आप प्रेस बंद हुआ, आपने खुद देखा सब कुछ। आलू का देखो क्या रेट हो गया था, आलू का सब्जी का क्या रेट हो गया, टमाटर का क्या, प्याज का रेट चल रहा है, दोनों के टाइम पर 10-15 रुपये या 20 रुपये ऊपर ही होता था कभी। तो महंगाई तो ना तो ऐसा विपक्ष के नाते हम अच्छा जो भी सुझाव हो हम अच्छा देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय जो धरने देने जा रही है आने वाले समय में, तो हम यही मांग करते हैं कि जो हमारे पांच विधायक जो निलंबन किए गए उनको FIR वापस की जाए, उनका निलंबन जो रद्द किया जाए। अगर आने वाले समय में जो हमारे शिमला से आदेश होंगे हम उन आदेशों को पालन करते हुए फिर से हम जो भी हमें उनके आदेश होंगे उसके आदेश के आप चलते हुए फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो आज की डेट में हमारा जो मौन धरना चला हुआ है यहाँ पर 1 घंटे का धरना कॉल किया हमने पूरे मध्य प्रदेश में, तो हम इतना जरूर बोलेंगे मोदी जी और अमित शाह जी आप जो ये गुंडागर्दी फैला रखी है इसको बंद करिए, लोगों के जो उम्मीदें हैं आपके ऊपर वो उन उम्मीदों को पूरा करिए, जितनी महंगाई है महंगाई को कंट्रोल करिए इसको।